गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपका टॉपिक के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है व्यंजन संधि। बच्चों, मैंने इससे पूर्व आपको स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ाया था। आज आते हैं व्यंजन संधि पे। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा पर हम एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात इसमें मूल रूप से दो बातें हैं जो उभर कर सामने आती हैं। एक है स्वर का व्यंजन से मेल होता है और दूसरा है व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। अब हम आइए इन दोनों बातों पर बारी बारी से हम ध्यान देंगे। पहला इसमें है परिभाषा के अनुसार कि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल। तो सबसे पहले स्वर का व्यंजन से मेल किस प्रकार होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, इससे हम समझेंगे कि किस प्रकार स्वर का व्यंजन से मेल हुआ है। जैसे आ जोर छादन को जब हम मिला दिए, मेल कर दिए, तो ये हो गया आच्छादन। इस प्रकार बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ ये आ क्या है, स्वर है, क्योंकि ये पहला शब्द का अंतिम वर्ण या पहला वर्ण जो भी कहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ण है, इसलिए ये क्या हो गया, पहला शब्द। और ये दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है वो क्या है, व्यंजन है। अर्थात ये क्या हो गया, स्वर, और इधर क्या हो गया, व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल से ये क्या बन गया, आच्छादन। दूसरा नंबर है ख नंबर, व्यंजन का व्यंजन से मेल। इस परिभाषा में जो कहा गया है कि किसी स्वर या व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ स्वर का भी मेल होगा और व्यंजन के साथ व्यंजन का भी मेल होगा। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल किस प्रकार होता है, ये इसको भी एक उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। जैसे सत जोर जन, यहाँ पर ये तो क्या है, व्यंजन है, और ये जो क्या है, वो भी व्यंजन है। अर्थात व्यंजन का व्यंजन से जब मेल हुआ तो ये बन गया सज्जन। और ये किस प्रकार बना, यानी कि तो जो में किस प्रकार परिवर्तित हुआ, ये हम आगे नियम में पढ़ेंगे कि किस प्रकार तो जो है सो जो में बदल गया। अब आइए व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं जिनको हम बारी बारी से इसमें जानेंगे। नियम नंबर पहला है क च ट त प के सामने। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प हो और उसके सामने, अर्थात दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर। स्वर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई री ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर हो, या फिर ग ध ज झ ढ द ब भ य व और ह में से कोई भी व्यंजन हो, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी कि